आज हम कक्षा दसवीं में गणित से इकाई चार में प्रकरण द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करने जा रहे हैं। तीसरे के प्रश्न की स्थिति को देखिए तो उसने लिखा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। योग दिया है 27 और गुणनफल दिया 182। उन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न की पहली कंडीशन को देखे तो उसने लिखा जिनका योग 27 है। योग 27 है हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, पहली ही शर्त दी है प्रथम शर्त अनुसार इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो योग पर 27 आना चाहिए। यदि हम इसमें भाई को बाई तरफ रखें और एक्स को दाहिनी तरफ ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा भाई बराबरी से 27 रिमेन। इसको हम लिख रहे हैं ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी शब्द को ध्यान से देखें तो उसने कहा है गुणनफल 182 हो, गुणनफल लिखा है जिसको हम लिख रहे द्वितीय शर्त अनुसार जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार गुणनफल 182 है। मतलब x का जब y में हम गुणा करेंगे तो 182 आता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y बराबर से 27 ऋण लिख रहे हैं हम इस प्रकार से। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाई का मान रखें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से जब अपन भाई का मान रखेंगे तो भाई हमारे पास है 27 ऋण एक्स, एक्स गुणे 27 ऋण एक्स बराबरी से 182। एक्स का गुणा दोनों पदों में होगा, एक्स का गुणा जब 27 में होगा तो माना है 27 एक्स, एक्स का गुणा ऋण एक्स से होगा तो ऋण एक्स की घात हो बराबर 182। अगली स्टेप में 182 को बाई तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ऋण 182, 27 एक्स ऋण एक्स की घात हो ऋण 182 बराबर 0। पदों को ध्यान से देखिए हमारे पास ऋण एक्स की घात हो मध्य में है उसको सबसे पहले लिखना चाहेंगे ऋण एक्स की घात हो, फिर 27 एक्स ऋण 182 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप है, लेकिन पहले पद के आगे ऋण रखे हैं। इस ऋण को धन में बदलने के लिए तीनों के तीनों पदों में हम ऋण का गुणा कर देंगे जिससे पहला पद ऋणात्मक से धनात्मक हो जाए, x की घात 2
ऋण 27 से धन 182 बढ़ा देने से। अब अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में पुनः हम kx की घात 2 धन bx धन c बराबरी से शून्य से तुलना करते हैं। जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमको abc के मान मिलेंगे। हम इससे इसकी तुलना करेंगे, जब तुलना करते हैं तो हमको क्रमशः abc के मान मिलेंगे। a बराबरी से हमको मिलता है 1, b बराबरी से मिलेगा 27, c बराबरी से मिलेगा 182। पुनः वही स्थिति, यहाँ पर हमको एक पद चाहिए l व दूसरा पद चाहिए m। ये दोनों की विशेषता इस प्रकार से होनी चाहिए कि जब हम l इंटू m लिखे तो a और c का गुणनफल मिले। a और c का गुणनफल मतलब 1 × 182 गुणनफल 182 ही मिलेगा। तथा इसमान l और n इन दोनों को जोड़े तो मध्य का पद b यानी कि ऋण 27। इन दोनों संख्याओं को क्या करने पर, गुणा करने पर 182 मिलना चाहिए लेकिन जोड़ने पर 27 मिलना चाहिए। हम चिन्हों की परिपाटी से भली भांति परिचित है कि कब हमको ऋण मिलता है कब हमको धन मिलता है। तो इसलिए हम में से सब जानते हैं कि जब दो पदों के चिन्ह समान होते हैं यानी कि धन गुणित धन हो या ऋण गुणित ऋण हो तो गुणनफल सदैव धनात्मक होगा। और दूसरा नियम, यदि पहला पद ऋण हो दूसरा पद धन हो तब भी ऋण मिलेगा और पहला पद धन हो दूसरा पद ऋण हो तब भी ऋण मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर गुणा करने पर धन दो कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों ऋणात्मक होंगे। लेकिन अगली स्टेप में ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं कि योग ऋण तब आता है जब बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण हो। जैसे अगर आपके पास 5 में से हम 2 को घटाएं तो हमारा उत्तर होगा, 5 में से जब हम 2 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर धन 3 होता है। लेकिन अगर हम ऋण 5 में से 2 को घटाए धन 2 को घटाए तो हमारा उत्तर ऋण 3 होगा। दोनों पदों के चिन्ह अगर समान होंगे यानी 5 का चिन्ह भी धन है 2 का चिन्ह भी धन है तब धन 7 आएगा, और 5 का चिन्ह ऋण है 2 का चिन्ह ऋण है तो ऋण 7 आएगा। यहाँ पर इन चारों कॉम्बिनेशन को देखकर हम पाते हैं कि दोनों पदों के चिन्ह क्या होने चाहिए। तो निश्चित है दोनों पदों के चिन्ह कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि पहली संख्या भी ऋण होगी दूसरी संख्या भी ऋण होगी, पहली संख्या भी ऋण होगी दूसरी संख्या भी ऋण होगी, तभी गुणा करने पर धन और जोड़ने पर ऋण आ सकता है। तो एक तरफ से हम 182 के गुणनखंड देखेंगे। हम में से सब जानते हैं कि 182 के अगर अपन गुणनखंड यहाँ पर निकाल के देखें तो 182 दो का भाग जाता है, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। अगला 7 का भाग जाता है, 7 × 7 = 21। इसके जो गुणनखंड होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। इन दोनों तीनों पदों को चेंज करके हम देखें तो हम पाते हैं यदि 182 के गुणनखंड, यहाँ पर हम 182 के गुणनखंड लिख रहे हैं, 182 मतलब हम लिख सकते हैं एक का भी चिन्ह ऋण और 182 का भी चिन्ह ऋण। जब दोनों को ऋणात्मक लिखेंगे उत्तर तो धनात्मक आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर देंगे तो आपको मध्य का पद 27 की बजाय 183 मिलेगा जो कि उपयुक्त नहीं है। अगला पद देखिए, 2 का भाग भी जाएगा तो हम लिख रहे हैं ऋण 2 × 2। यहां देखिए
कितने बार जाएगा? 91 बार, क्योंकि 13 सात 91। तो हम पाएंगे ऋणकों में जब हम ऋण 91 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान आएगा ऋण 93, जो कि उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, तो हम ये 7 और 2 को आपस में यदि मिला दें, ये 7 और 2 को आपस में मिला दें तो क्या हो जाएगा? 7×14 ऋण 14 गुणे ऋण 13 गुणनफल 182 ही आएगा। लेकिन जब आप उन दोनों पदों को जोड़ोगे ऋण 14 ऋण 13 तो आपको मान मिल जाएगा ऋण 27, जो कि आपको चाहिए। अर्थात हमारे पास ये जो पद है x की घात 2 ऋण 27x लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ ऋण 27x लिखा है, उसको बांटेंगे हम ऋण 14x ऋण 13x। x की घात 2 इसको हम बांटेंगे ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर से 16। पहली दो संख्या से यदि हम x को कॉमन निकालें तो पहली दो संख्या से x को कॉमन निकालेंगे तो x ऋण 14, बाकी दोनों संख्या से ऋण 13 को कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 13 का मान 182 में जाएगा। 13 को जैसे ही कॉमन निकालेंगे x ऋण 14 बराबर से 16। हम पाते हैं दोनों ही पदों में x ऋण 14 कॉमन है, मतलब x ऋण 14 को यदि कॉमन निकाल दिया जाए तो पहले में x ऋण 13 बराबर से 0। हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया x ऋण 14 x ऋण 13। अब या तो x ऋण 14 शून्य के बराबर होगा या तो x ऋण 13 शून्य के बराबर होगा। यदि पहला पद यानी कि x ऋण 14 बराबर से शून्य के है तब x का मान हमको मिलेगा x बराबर से 14, ये प्रथम संख्या। दूसरी संख्या को ध्यान से देखिए, यह x ऋण 13 शून्य के बराबर है तब हमको पक्षांतर करने पर मिलेगा x बराबर से 13। तो हमारा उत्तर हो गया, अतः ये दो संख्याएं हम लिख सकते हैं, अतः हमारे पास वे दो संख्याएं अतः वे दो संख्याएं कौन कौन सी होगी? x बराबर से 14 या x बराबर से 13। ध्यान से देखेंगे यहां से हम इसको समीकरण एक में भी रखें तो दूसरी संख्या भी हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। यदि समीकरण एक में x बराबर से 14 रखेंगे, यदि समीकरण एक में हम x बराबर से 14 रखेंगे तब आपको मिलेगा y बराबर से 27 ऋण 14, 27 में से 14 को घटाएंगे तो y बराबर से 13 होना। यदि समीकरण एक में x बराबर से यदि हम 14 रखते हैं तो हमारे पास मान लीजिए x बराबर से 13 रखते हैं तो हमको मान मिलेगा y बराबर से 27 ऋण 13 यानी कि y का मान 14। हम लिख सकते हैं इस प्रकार से वे दो संख्याएं इस प्रकार वे संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो यदि x बराबर से हम 14 लें तो y बराबर से 13 होगी,
या x बराबर से 13 लिखिए तो y बराबर से 14। कहने का मतलब है वो दो संख्या यहीं पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसको एंड देने के लिए हमको उसको समीकरण एक में रखना पड़ेगा। तो आज अपन ने कक्षा 10 में गणित विषय में द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कल। धन्यवाद।